श्री कृष्ण जन्मभूमि से सटी शाही ईदगाह मस्जिद में नमाज पढ़ने का मामला अब न्यायालय में पहुंच गया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में वादी अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने मस्जिद में नमाज पर रोक लगाने की अर्जी दी है। इससे पहले अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने जिला प्रशासन को भी पत्र लिखकर शाही ईदगाह मस्जिद में नमाज किए जाने पर रोक लगाने की अपील की थी। वादी अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि जब से अयोध्या में बाबरी मस्जिद फैसला आया है, तब से यहां पर नमाजियों की संख्या बढ़ गई है। वादी का कहना है कि मथुरा के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए यहां बड़ी संख्या में नमाज अदा की जा रही है। यह ईदगाह है, केवल ईद वाले दिन ही यहां पर नमाज अदा होती थी, अब यहां पर पांचों वक्त की नमाज अदा होने लगी है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आने लगे हैं। वादी पक्ष ने कोर्ट से अपील में बताया कि शाही ईदगाह मस्जिद विवादित स्थल है, यहाँ पर नमाज की किसी को अनुमति नहीं है क्योंकि कुरान भी कहती है कि विवादित स्थल में नमाज नहीं की जा सकती। वहीं मस्जिद में हिंदू स्थापत्य कला के सबूत होने का दावा भी उन्होंने कोर्ट में पेश किया है। 6 दिसंबर से पूर्व जुम्मे की नमाज विशेष सुरक्षा बलों की तैनाती में शाही ईदगाह मस्जिद में हुई थी। बड़ी संख्या में नमाजियों ने नमाज अदा की थी। हिंदूवादी संगठनों ने शाही ईदगाह मस्जिद में भगवान श्री कृष्ण के जलाभिषेक की अनुमति मांगी थी। 6 दिसंबर को कान्हा की नगरी छावनी में तब्दील हो गई थी। अभी भी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए जिले में धारा 144 लागू है। आपको बता दें, वादी अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा न्यायालय में श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने को लेकर अपील की थी। यह मामला कोर्ट में लंबित है जिसमें सुनवाई की तारीख 5 जनवरी है। इसी बीच उन्होंने शाही ईदगाह मस्जिद में नमाज को बंद करने के लिए न्यायालय में आज प्रार्थना पत्र दिया। आज सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने फैसले की सुनवाई के लिए सुरक्षित रख लिया है। और वादी को से प्रार्थना पत्र दिया गया कि लोग पतवातीगढ़ जो है इसमें नादा करें और उस पर हमने आपत्ति लिए समय मांगा है। अदालत ने हमको सुन लिया है और समय दिया है इस बात के लिए कि आपने आपत्ति दाखिल कर सकें। अभी ऑर्डर पास होना है इस पर। अदालत ने मुझसे पूछा आपने आपत्ति लिए समय मांगा है, हमने कहा समय मांगा है मैंने। देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण माननीय सिविल जज का चल रहा है और आज उसमें एक हमने महत्वपूर्ण एप्लीकेशन शपथ पत्र के साथ दी और उसमें हमने न्यायालय से निवेदन किया कि वहाँ पर जो मस्जिद परिसर है जो शाही ईदगाह के नाम से जाना जाता है, लेकिन जो 13.37 एकड़ ज़मीन है जो कटरा केशवदेव की है, भगवान कृष्ण की है, हिंदू प्रेमियों की है, वहाँ पर जो मस्जिद है उसमें इन लोगों ने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। 6 दिसंबर 1992 से वहाँ कोई नमाज नहीं पढ़ी जाती थी, उसके बाद इन्होंने नमाज पढ़ना शुरू किया ईद के दिन और धीरे धीरे जुमे की नमाज पढ़ना शुरू किया और अब ये पाँचों टाइम की नमाज पढ़ते हैं। तो ये गलत परिपाटी है, गलत परंपरा है जो वहाँ शुरू कर दी गई है, क्योंकि वहाँ पहले नमाज नहीं पढ़ी जाती थी तो अम्मा नमाज पढ़ने का क्या औचित्य है। तो ये गलत परंपरा नहीं पढ़नी चाहिए क्योंकि वो मंदिर है, आज भी मंदिर उनकी दीवारें जाके आप देखिए तो शंख चक्र पदम स्वास्थ्य के निशान वहाँ बने हुए हैं, तो वहाँ नमाज का क्या औचित्य है? नमाज का कोई औचित्य नहीं बनता है वहाँ पर। तो वहाँ पर जो नमाज पढ़ी जा रही है वो गलत है और आज इसी को लेकर के आज हमने माननीय न्यायालय में एप्लीकेशन दी है। न्यायालय ने उसको सुना है विधिवत रूप से और सुनने के बाद उस पर ऑर्डर रिजर्व कर लिया, तो देखते हैं क्या ऑर्डर आता है।